focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world class businesses. Big Tech. एलपीसी जी, जिस तरह आज नोएडा शहर के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और आज नोएडा शहर अपना 43वां स्थापना दिवस मना रहा है, और बात करें कि 43 साल के बाद भी आज आधुनिक शहर में डंपिंग ग्राउंड नहीं है, तो क्या कहना चाहिए आपसे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ इसमें नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की बहुत वीकनेस है, उनकी कमजोरी है। आज 42 साल के बाद भी अगर हम लोग कूड़े के निस्तारण को नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ी कमी है। बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, आज डंपिंग ग्राउंड बनाने की बात करते हैं शहर के बीच में, नोएडा की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि नोएडा के शहर के बीच में कोई डंपिंग ग्राउंड बने। हम लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। डंपिंग ग्राउंड हमेशा शहर से बाहर होता है, जंगल में होता है, दूर होता है, दूर बनाया जाना चाहिए। और डंपिंग ग्राउंड की बात क्यों करते हैं, कूड़े का निस्तारण क्यों नहीं करते, कूड़े को ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? कूड़े से आप खाद बनाइए, कूड़े से आप बिजली बनाइए, कूड़े से आप जिस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कूड़े को ख़त्म करने की बात करें, कूड़े को डंप करने की बात क्यों करते हैं? कहीं पर भी आप कूड़े की डंपिंग ग्राउंड ना बनाएं, कूड़े को निस्तारण के केंद्र बनाएं, और वो ऐसी जगह होना चाहिए ताकि निवासियों को उससे तकलीफ ना हो, निवासियों को बीच में ना हो। आप कहीं भी ले जाकर बना सकते हैं। अस्तोली की बात की थी नोएडा प्राधिकरण के पिछले अधिकारी ने, अस्तोली में बनाइएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह की टेक्निक आजकल आ गई है कि पूरी दुनिया में नोएडा एक ऐसी जगह है जहाँ कूड़े की समस्या है, यही कूड़े की समस्या क्यों आ रही है और कहीं क्यों नहीं आ रही है? मैं चाहता हूँ कि इसका एक ऐसा हम लोगों के साथ बैठकर हम लोग अब इसी हफ्ते प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और इसका कोई सही रास्ता खोजकर इसका समस्या का समाधान।